में आपका रुख करना चाहेंगे, वो कौन सी खबरें हैं आज जिन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी दिन भर? देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करें तो आज के दिन 20 मार्च 2020 को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और आज जो है पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है, तिरंगा यात्रा निकालेगी राजधानी भोपाल तक। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकालेंगे और अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या जो है कांग्रेस बताते हुए नजर आ रही है और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट सामने आता है जो कि पार्टी के नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है सैयद जफर, और पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। पार्टी ने उनसे काफी दूरी बनाई हुई है, हालांकि अभी तक उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर सैयद जफर की अगर हम बात करें तो सैयद जफर ने आज सुबह एक ट्वीट किया है। उनका यह कहना है कि 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के चलते जो है कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। पहले ही जो है पार्टी से जो अन्य राजनीतिक पार्टी के विधायक है, निर्दलीय विधायक है, या कांग्रेस के जो गिने चुने 3-4 विधायक है जो पार्टी से नाराज चले थे, जिन्हें कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया गया था, उनकी वजह से 20 दिन पहले ही जो है कमलनाथ की सरकार गिर चुकी थी। लेकिन बाद में जो है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी है। सीधे तौर पे उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा पहुंचाया गया था, जिसके बाद पार्टी के तमाम नेता जो है नाराज चल रहे थे। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से गुटबाजी अब जो है सामने देखने को मिल रही है, और गुटबाजी का कारण ये है कि 2018 के पहले भी एक बड़ी गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली थी। जब कमलनाथ को कमान मिली तो उन्होंने गुटबाजी खत्म की, लेकिन 2023 के चुनाव के पहले एक बार फिर बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है गुटबाजी की। तो अब देखना होगा कि गुटबाजी को कैसे खत्म जो है यहाँ पे किया जाता है। मौसम की बात करें तो इस समय आप मेरे पीछे मौसम की यह तस्वीर देख सकते हैं कि काफी तेज धूप जो है यहाँ पे देखी जा सकती है, और सुबह से ही जो है सूरज देवता ने दर्शन दिए हैं। इसके साथ ही काफी तेज धूप, गर्मी, उमस से जो है लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट चुका है। मार्च के महीने में इतनी तपन, तेज धूप, गर्मी, उमस से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप बात करें तो नगर निगम ने भी जगह जगह जो है पियाऊ के सेंटर खोल दिए हैं, क्योंकि लोग पानी के लिए परेशान ना हो इसका विशेष तौर पर नगर निगम ध्यान रखती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम वन विभाग की बात करते हैं तो वन विभाग ने जो वन नेशनल पार्क है वहां पर तमाम सुविधाएं जो है वन प्राणियों को दी है, वन जीव को दी है, क्योंकि जिस प्रकार से भालू है या अन्य जीव है वो गर्मी की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं। उमस दिन में जो टेम्परेचर है वो काफी हाई रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो है कूलर की व्यवस्था की गई है। होली मिलन, क्योंकि होली का त्यौहार चल रहा है, रंगपंचमी तक ये त्यौहार चलेगा, होली का महापर्व है। इस त्यौहार में जो गिले शिकवे हैं वो दूर किए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक गिले शिकवे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हैं वो अपने पैर भोपाल में धीरे धीरे पसारते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने अपने निवास में होली मिलन कार्यक्रम रखा है, और इस उपलक्ष्य में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन जो है इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो आज कह सकते हैं ये दिन भर की बड़ी खबरें रहेंगी। इसके साथ ही होली का पर्व है, भाईदूज का पर्व है आज, तो विशेष तौर पर जो चित्रगुप्त मंदिर है वहां पर भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा की जाएगी और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम चित्रगुप्त मंदिर में रखे गए हैं।